तो फ्रेंड्स आज मैं 40 साइज का बेल ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से और ये परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट काटती हूँ हमेशा की तरह। तो बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पर टू फोल्ड किया, यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से जॉइंट साइड है। अभी देखिए ब्लाउज का लंबाई मैंने 16 इंच लिया, सिलाई मार्जिन लेके मैंने 16 लिया, 16 पे इसको बराबर मिला लेना है। अगर आपकी हाइट बहुत ही कम होता है उस टाइम पे आप 15.5 इंच लीजिएगा, अदरवाइज आपको 16 लेना है और हाइट बहुत ज्यादा होगा तो 16.5 इंच लीजिएगा। और डीप नेक होगा उसी हिसाब से शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया। इसको देखिए यहाँ पे मैंने सीधा बराबर कर लिया और आर्महोल देखिए मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया। अगर आपके आर्महोल कम होता है तो 5.25 इंच लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे 6 इंच लेना है। अभी छाती का चौथा हिस्सा लेना है, यहाँ पे 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है और इसके साथ मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। और रेडीमेड के लिए आपको 2.5 से 3 इंच लेना है। अभी हमें आर्महोल की गोलाई देना है तो 1.5 इंच पे मैं आर्महोल का गोलाई रखूंगी। तो यहाँ पे देखिए बॉडी के हिसाब से अगर आपकी मुहूरी बहुत ही कम होता है उस टाइम पे आप 1.25 इंच लीजिएगा, यहाँ से देखिए 2 इंच से 2 सूट कम, इस तरीके से आपको शेप देना है। हमेशा नीचे की तरफ थोड़ा डाउन करके देना है तो बैक साइड का फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होता है। अभी देखिए टोटल जितना छाती लिया उससे मैं 1/2 इंच कम रखूंगी कमर के लिए। तो इस तरीके से लेने से हो जाता है, अलग से मेजरमेंट लेने का जरूरी नहीं है, फिर भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी देखिए नेक का चौड़ाई मैं 2 इंच रखूंगी, डीप नेक के लिए इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। अभी नीचे की तरफ 10 इंच रखूंगी और यहाँ पे देखिए मैं 3 इंच पे निशाना लगाऊंगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट जितना चौड़ाई में देना चाहते हो उतना भी ले सकते हो या यहाँ पे जितना है उतना लेके उसके बाद भी आप शेप दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ से सीधा देने से क्या करना होगा, आपको पहले इसको मिलाना है इस तरीके से, और डायरेक्ट देने से क्या होता है तिरछा करके इसको मिलाना होगा, ऐसे हो गया है। तो जब आप सीधा रखोगे उस टाइम पे आपको बाहर के साइड से इसको लेके आना है, और अगर डायरेक्ट आप जितना चौड़ाई में देना चाहते हो उतना लेते हो तो फिर सिर्फ यहां से आपको निशाना लेके आना है और कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे भी करो ब्लाउज आपका बराबर होगा। अब यहां से देखिए हमेशा आपको लगभग 1.5 सूट डाउन करना है इस तरीके से, तब शोल्डर गिरने का संभावना बहुत ही कम रहता है। अभी यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे मैं टक्स के लिए रखूंगी और ऊपर की तरफ मैं 6 इंच उठाऊंगी, इसको सीधा कर लेना है। बैक पार्ट हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद बैक पार्ट से आपको स्लीव्स की चौड़ाई के लिए मेजरमेंट लेना है। देखिए 9.5 इंच यहाँ पे मिल गया है, तो जितना मिला है उससे आपको 1 इंच ज्यादा लेना है डीप नेक पे। स्लीव्स के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड किया, देख लीजिए यहाँ पे 4 फोल्ड है। अभी लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है, तो लंबाई यहाँ पे मैं 6 इंच रखूंगी, सिलाई मार्जिन लेके 6 इंच यहाँ पे बराबर कर लेना है। हमेशा बैक पार्ट काटने के बाद आप स्लीव्स कट कर लीजिएगा। अभी देखिए चौड़ाई कितना है, हमें 10.5 इंच चाहिए लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम है, लगभग 1 इंच से भी थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कम है, तो उतना हमें अलग से जॉइन कर लेना है। देखिए यहाँ तक ये आना था। अभी नीचे की तरफ देखिए मैं 3.5 इंच नीचे की तरफ लेके आऊंगी, नॉर्मली देखिए बाहर की तरफ से ऐसे मैं निशाना लगा लूंगी। अभी इसको ऐसे देना है, फिर यहाँ से हमें 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है। अब यहाँ से शेप देना है, तो यहाँ पे बाद में हमें अलग से जॉइन करना है। मुहूर्त भी ऐसे ही रख दूंगी,
और फ्रंट के लिए हमें शेप देना है। तो स्लीव्स भी यहाँ पे कटिंग हो गया है। अभी देखिए जो फैब्रिक है इसको मैंने टू फोल्ड किया, यहाँ से ओपन साइड है क्योंकि फ्रंट साइड पे इसका हुक होगा और बैक पार्ट इसके ऊपर मैंने बराबर रख दिया। यहाँ पे आपको हाफ पीस एक्स्ट्रा लेना है, हाफ पीस एक्स्ट्रा लेने के बाद ही आपको बैक पार्ट को बराबर मिलाना है क्योंकि फ्रंट साइड पे हुक होगा तो हुक और आई के लिए आपको हाफ पीस एक्स्ट्रा चाहिए। अभी देखिए इसके हिसाब से हमें बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पे निशाना लगा लेना है। अभी इसको हटा देना है। अभी देखिए यहाँ से हमें फ्रंट नेक के लिए यहाँ पे डीप लेना है। आप यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच रखूंगी, आप चाहो तो कम ज्यादा ले सकते हो। तो फ्रंट नेक का गोलाई यहाँ पे हो गया है। अभी हमें देखिए बिल्कुल यहाँ से बास्ट पॉइंट निकाल लेना है। देखिए जितना आपके बास्ट पॉइंट है उतना ही लेना है। 9.5 इंच हो तो 10 इंच पे लेना है, 10 इंच हो तो 10.5 इंच पे लेना है क्योंकि शोल्डर पे यहाँ पे सिलाई पे दबेगा उसी हिसाब से आपको हाफ इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे 10 इंच पे बास्ट पॉइंट है और सिलाई के लिए मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, टोटल में 10.5 इंच पे यहाँ पे बास्ट पॉइंट लिया। अभी देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिया ये छोड़ देना है। बिल्कुल यहाँ से आपको और एक मेजरमेंट लेना है। बीच में जो टक्स होगा टक्स के लिए आपको मेजरमेंट कहाँ से लेना है, कोई भी साइज हो मेथड आपका सेम होगा। जितना आपकी फुल बस्ट होगा फुल बस्ट का 10वां भाग लेना है। तो ये जो ब्लाउज है इसका फुल बस्ट 44 है तो 44 का 10वां भाग यहाँ पे लेना है, 4.4। इस तरीके से आपको निशाना लगा लेना है। तो ये जो मैंने बास्ट पॉइंट मिला था मुझे इसको सीधा कर लेना है यहाँ पे। अब ये जो निशाना है सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। ध्यान में रखना है जितना आपकी फुल बास्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से जितना आता है उसी पे आपका ये टक्स के लिए निशाना होगा। इस तरीके से लेने से क्या होता है आपका जो टक्स है बिल्कुल बराबर होता है हमेशा कोई भी साइज का हो। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको और एक मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से देखिए सिलाई मार्जिन लेके मैं 4.25 इंच रखूंगी, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो इसको भी मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। यहाँ तक हो गया है। अभी बीच में आपको टक्स कितना देना है तो मैं यहाँ पे देखिए टोटल 2.5 इंच का टक्स रखूंगी। देखिए 2.5 इंच अभी इसको ऐसे फोल्ड करना है, इस साइड पे देना है हाफ और इस साइड पे रख देना है हाफ। अब ये जो पॉइंट है इसको मिलाना है। तो देख सकते हो टक्स के लिए भी निशाना हो गया है। अभी यहाँ पे टक्स कितना देना है, यहाँ पे टोटल 1/2 इंच का टक्स होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से 1.5 इंच लगभग छोड़ देना है, इतना तक हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा है इसको ऐसे करके आपको टक्स लगा लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पे हल्का सा आपको शेप देना है, ज्यादा नहीं। जितना इस सेट पे होगा उतना इस सेट पे उठा देना है ऊपर की तरफ। अब यहां से देखिए और एक मेजरमेंट आपको लेना है, यहां से 5 इंच नीचे और एक मेजरमेंट लेना है। इसको तिरछा करके इसके साथ लेके आना है। अभी यहां से 1.5 इंच छोड़ देना है इस तरीके से, और इस पे भी आपका 1/2 इंच का टक्स होगा, लगभग 1/2 इंच। बेल्ट के लिए मैं अभी तक नहीं लिया, बेल्ट में बाद में दिखाऊंगी कैसे लेना है। तो यहाँ से जो टक्स होगा ये आप चाहो तो ऐसे सीधा भी ले सकते हो या थोड़ा सा तिरछा करके भी ऐसे ले सकते हो। तो यहाँ से देखिए मैं 5.5 इंच नीचे की तरफ से रखूंगी, इसमें भी आपको मिडल से 1.5 इंच छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ पे टक्स देना है। तो इस पे भी देखिए आपका टोटल 1 इंच का टक्स होगा।
अभी यहाँ पे बेल्ट रह गया है, तो बेल्ट के लिए देखिए इस तरफ से आप चाहो तो 1 इंच भी उठा सकते हो या 1.5 इंच भी उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच उठाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा उठाने से क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है। इसको देखिए ऐसे लेके आना है, बिल्कुल मिडल पे आपको मिला देना है और इस तरफ देखिए मैं 1 इंच उठाऊंगी। तो यहाँ पे बेल्ट के लिए हो गया है, लेकिन बेल्ट आपको टोटल कितना लेना है, देखिए यहाँ तक बैक पार्ट था, लेकिन बेल्ट पे यहाँ पे फोल्डिंग होगा, सिलाई होगा, तो उसके लिए आपको कितना एक्स्ट्रा लेना होगा, टोटल आपको यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। जितना बैक पार्ट था उससे आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, तब बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन 2.5 इंच लेने से हो जाता है, अलग से और एक्स्ट्रा लेने का जरूरी नहीं है। अभी जितना बैक पार्ट है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे निशाना लगा लेना है। देखिए इस तरीके से, इसको पहले सीधा कर लेना है। बीच में थोड़ा निशाना ज्यादा हो गया है, ये निशाना गलती से लग गया था, तो जिसके कारण आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ तक तो ये पूरा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए और एक चीज रह गया है, यहाँ पे बीच में जो टैक्स होगा, टैक्स के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें इस साइड पे लेना है। यहाँ पे हमें लगभग 1.5 इंच लेना है, अगर फैब्रिक ज्यादा हो तो 2 इंच रख देना है, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको देखिए तिरछा करके यहाँ पे मिलाना है, इस साइड पे भी लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इसको तिरछा करके इसके साथ मिलाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। तो इसमें जो बीच में टैक्स है, अगर आप और भी छोटा देना चाहते हो उस टाइम पे आप यहाँ पे 1.5 इंच लीजिएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा करके देना है तो 2 इंच लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी हमें कट कर लेना है। यहाँ पे काट लगा के देना है, तब बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। काट लगाने से बिल्कुल बराबर होगा यहाँ पे। तो ये जो मैंने टास्क के लिए दिया, इसको थोड़ा सा आपको साइड पे लेके जाना है। तो सेम निशाना आपको दूसरे साइड पे लगा लेना है। यहाँ पे हल्का सा निशाना आ गया है, अभी इसको बराबर कर लेना है। जितना यहाँ पे छोड़ना था उस पे निशाना मैं रख दूंगी, 1.5, और इस तरफ भी सेम तरीके से हमें रखना है 1.5। अभी पूरा ब्लाउज यहाँ पे तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका टक्स सिलाई होगा, तो बेल्ट देखिए यहाँ पे उस टाइम पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलाई दिखाऊंगी। तो उम्मीद है किस तरीके से ये बेल्ट ब्लाउज कटिंग करना है आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद भी कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, आप जरूर मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और वीडियो पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर करना। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।